कितना पैसा निकलोगे? अम्मा और फ्रेंड्स, अब मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और आशु जी के लिए भी, क्योंकि वो भी मेरे साथ मंदिर जाते हैं तो कुछ खाते पीते नहीं हैं। वहाँ से आने के बाद ही नाश्ता वगैरह जो है हम साथ में करते हैं, और साथ के साथ ही मैं बना दूँगी फिर अनिकेत के लिए बनाना शेक, क्योंकि उसका भी फास्ट है और बच्चों का फास्ट। अनिकेत बहुत शुरू से ही, मतलब इसे इतना शौक है फास्ट रखने का, मेरे साथ रखता था तो मैं फिर मना नहीं करती, क्योंकि जब बच्चे इस चीज़ के लिए करते हैं कि भाई हम भी करेंगे, जैसे भाई मैं करती हूँ तो मुझे देख के ही वो इनक्रेज हुआ है कि भाई मेरी मम्मी व्रत रख रही है तो मैं भी करूँगा, चाहे नवरात्रि का हो या फिर अब जो ये सीज़न चल रहा है सावन का। अनिकेत हमेशा वो करता है, अनिकेत को देख के ही ना रुद्रांश भी करता है कि मम्मी मैं भी फास्ट रखूँगा, लेकिन मैं उसे रखने नहीं देती क्योंकि स्कूल जाता है और बच्चा भूल चूक में कुछ भी वहाँ खा लेता है। पर अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार ज़रूर डालने चाहिए अगर वो आपसे कह रहे हैं किसी तरह का फास्ट वगैरह रखना है, और तो ज़रूर उन्हें रखवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे संस्कार होते हैं जो हम बच्चों में डाल सकते हैं। वो देखेंगे फिर आने वाली पीढ़ी को भी वो ये चीज़ बताएंगे कि देखो हमारी ऐसे मम्मी क्या करती थी या फिर डैडी क्या करते थे। तो ये चीज़ हमेशा बच्चों में डालनी चाहिए आप लोगों को,
क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो इस तरह के धार्मिक संस्कार बच्चों में ज़रूर डालने चाहिए, इससे वो बुरी आदतों से भी बचे रहते हैं और भगवान में ध्यान रहता है, तो जो हमारी प्राचीन धरोहर है उनको पता चलती है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो मतलब पूरे दिन फास्ट ना रख सके तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कभी फ्रूट दे दिया, कभी दूध दे दिया, शेक दे, मतलब इस तरीके से उन्हें रखवाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कोई भी व्रत या त्यौहार क्यों आ रहा है और इसके पीछे रखने का क्या कारण है। तो बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए। तो फिलहाल मैं अनिकेत के लिए बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक और मेरी चाय भी बन रही है साथ ही साथ। तो अनिकेत भी ना मतलब ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं है, मैं जो काट करके दे दूँगी, फ्रूट दे दूँगी या फिर जैसे बनाना शेक लस्सी होगी थोड़े थोड़े टाइम में, ताकि बच्चे बाहर भी जाते हैं अपना किसी काम से भी वो जा रहा है तो उसमें मतलब वीकनेस भी ना आए और अच्छी तरह से जो है व्रत का वो पारण भी कर सके। तो मैं इस तरीके से उसे बना के देती रहती हूँ। चाय बनाने के बाद और अनिकेत का बनाना शेक बनाने के बाद जो दूध वगैरह था मैं साथ के साथ ही फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बाहर दूध रह जाए तो फिर ख़राब हो जाता है। साथ के साथ ही जो अपनी स्लैब है उसको भी साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरा सारा काम है किचन का साथ के साथ चलता रहे और बाद के लिए मेरा जो काम है वो इकट्ठा ना हो। और आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था, जब रुद्रांश स्कूल गया था तो सुबह रुद्रांश के लिए ही थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, पर मैंने आज मतलब एक्स्ट्रा नहीं बनाई थी, तो बाद में सब्जी का काम है, बस आटा तो लगा हुआ है, फटाफट रोटियां सेक दूंगी जब जिसको भूख लगेगी, क्योंकि मेरा और अनिकेत का तो फास्ट है और मम्मी और यही हैं, और रुद्रांश जब आएगा स्कूल से उसके लिए तब बनाना पड़ेगा खाना, तो इतना कोई प्रेशर का काम नहीं है। और जब भी मेरा फास्ट होता है तो मैं काम का इतना बर्डन नहीं रखती हूँ अपने ऊपर, जो काम होता है वो कर लेते हैं, बाकी अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। ले बेटा देख अनिकेत के हाल देखो व्रत है मेरे बेटे का आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है सावन का तीसरा सोमवार और अभी हम पूजा करके आए हैं और बस अनिकेत को बनाना शेक बना के दिया है, उसका फास्ट और मेरा भी, और आशु जी का नाश्ता बना दिया है, अपनी चाय, मम्मी ने चाय सुबह पी ली थी क्योंकि इतनी लेट तो अब 9 बज गए हैं, हमें तो थोड़ा सा मम्मी पे इतनी लेट मतलब भूखा नहीं रह जाता तो वो चाय पी लेते हैं। और अब करेंगे चाय पीने के बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई जो भी और अपने डेली के काम है वो, और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। अभी देखूँ फ्रिज में क्या सब्जी है क्या नहीं, जो है फिर वो बढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा और अनिकेत का तो फास्ट है तो ये लोग ही है। देखती हूँ क्या कहते हैं मम्मी, क्या सब्जी बनाती हूँ मैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अनिकेत हंस रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी अपना जो बेस्ट है वो दे सकें। हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है। और यकीन माने हम अपना बेस्ट देते हैं और धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि बंदा किसी भी चीज़ में फील्ड में नया होता है तो थोड़ा सा उसे टाइम लगता है, पर आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं काट रही हूँ अपने लिए और अनिकेत के लिए फ्रूट, क्योंकि सुबह उसने बनाना शेक ही पिया था और अब लगभग 2:30 बज गए हैं, तो मैं काट रही हूँ दोनों के लिए फ्रूट, और वो अगर नहीं दूंगी तो वो खाएगा भी नहीं और ना ही मांगेगा, तो बस मैं अपने उससे ही कि अपने लिए भी काट लूँगी और उसके लिए भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है जो मेरा सावन का सोमवार का व्रत होता है तो हम फलाहार में मतलब यही फ्रूट वगैरह लस्सी ले ली, चाय पी ली, यही लेते हैं। बाकी का जैसे कई लोग ये सेंधा नमक खा लेते हैं इसमें, तो वैसा मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं ऐसे ही फास्ट रखती आई हूँ, हमारी मम्मी ने ऐसे ही हमें बताया था यहाँ पे, तो फिर मैं उसी तरह से कर रही हूँ। कोई ये नहीं कि भाई एक ही दिन की बात होती है फिर उसमें क्या अपनी चलानी, जैसे मम्मी ने कही है तो उसी हिसाब से हम शुरू से ही करते आए हैं, और इसी तरह से मैं अनिकेत को भी रखवाती हूँ, जबकि कई बार अनिकेत
कह देता है मम्मा उस तरह से बनाओ जैसे सेंधा नमक का कुछ बना लिया, पर फिर मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि जो हमारे पहले से जैसे मैं करती आई हूँ उसी हिसाब से फिर मैं इसको भी करवाती हूँ। आ रही है ना, मैं दोनों के लिए काट लिया, लस्सी अभी बना लूँ बाद में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, खाना वगैरह सबने खा लिया है और मैं बना रही हूँ अनिकेत के लिए और अपने लिए पनीर की खीर। अनिकेत को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो मैं बना रही हूँ पनीर की खीर। इसके लिए मैंने जो दूध है उसको उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं जो पनीर है उसे कद्दूकस कर रही हूँ ताकि सारी पनीर इक्वल हो जाए, कोई भी बड़ा पीस ना रहे, और दूध में जब डालें तो वो अच्छी तरह से उसमें रबड़ी की तरह हो जाए। तो कद्दूकस करने के बाद मैं डाल दूँगी इसे गर्म दूध में और उसके बाद उसमें डाल दूँगी मैं चीनी, और अच्छी तरह से उबालने के बाद हमारी जो खीर है वो तैयार हो जाएगी। तो अनिकेत को ये वाली खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, फास्ट वगैरह में जब नवरात्रे होते हैं या फिर अब जैसे ये, तो फिर मैं ये बना देती हूँ उसके लिए, उसे बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी तो मैंने बताया ये जो मैं दे दूँगी वही खा लेगा, और आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल ही इसे बनाती हूँ। तो बस बॉईल करने के बाद हमारी खीर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस व्लॉग का मैं यहीं पर करने वाली हूँ एंड, और मिलूँगी आपसे इसी तरह के बेहतरीन व्लॉग के साथ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना हमें प्यार दें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।